जी, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट एक वीलॉग आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। मैं और मेरी तरह के जो दूसरे डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स हैं, हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा नंबर क्रंचिंग में, डेटा को ढूँढने में, उसको एनालाइज करने में, इंफॉर्मेशन को डिग इन करने में, उसको एनालाइज करने में, एनालिसिस के बाद उनके उनके कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, स्ट्रेटजीज बनाना, तो बहुत सारा एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है, एक वक्त जो है वो हमें हमारे कंप्यूटर और कंप्यूटर की स्क्रीन और उसके अलावा जो है वो अपने जहन में, अपने दिमाग में गुजारना पड़ता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी तरह के और जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं, हम सभी ये फील करते हैं कि कई दफ़ा जो रियलिटी है उससे थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट जो है वो आ जाता है। तो मैं कम से कम कोशिश अपने तौर पे अपने आप को रियलिटी से कनेक्टेड रखने के हवाले से एक ये करता हूँ कि मैं यहाँ फार्मिंग अपनी कुछ अरसे से, काफ़ी कुछ साल हो गए अब, जिनसे जिनसे मैं ये जब से मैंने फार्मिंग शुरू की है, ये मैं ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट में, मेरी मेरे दादा की ज़मीन थी, अब वो अब्बू की और मेरी है, मेरे भाई की है, तो हम लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं और इससे मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है कि मैं रियलिटी से कनेक्टेड रहूँ। ये तकरीबन लाहौर से मुझे 2 घंटे का ट्रेवल डिस्टेंस पड़ता है यहाँ आने के लिए। एक छोटा सा फार्म हाउस हमने यहाँ बिल्ड किया है जिसपे मतलब आके हम कंफर्टेबली जो है कुछ दिन गुजार सकते हैं। अम्मी अबू यहाँ पे रहते थे पहले, कुछ अर्सा वो यहीं रहे हैं, लेकिन अब वो लाहौर में हैं, लाहौर में रहते हैं, तो मैं यहाँ कई दफ़ा खुद आ जाता हूँ अकेला अपने तौर पर ही, वरना कभी बच्चे आ जाते हैं, अभी भी आज भी बच्चे मेरे साथ हैं, तो हम यहाँ एंजॉय भी करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हमें मौका भी मिलता है टू स्टे कनेक्टेड विद द सॉइल, ज़मीन के साथ, हकीकत के साथ अपना ताल्लुक़ बनाए रखें, इस चीज़ का भी हमें मौका मिलता है यहाँ पे। जी, तो हमारी फार्मिंग में यहाँ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी फार्मिंग है एट द मोमेंट, वो गंदम की काश्तकारी है। ये आप देख सकते हैं पीछे गंदम लगी हुई है, ये वहाँ पे भी है। सबसे ज़्यादा इस वक्त हम गंदम लगा रहे हैं क्योंकि गंदम लगाने का मौसम है, जनवरी का महीना है। उसके अलावा जब ये ज़मीन यहाँ से फारिग होगी गंदम से, तो फिर हम क्योंकि वीट राइस बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे उस वक्त फिर राइस लगा ली जाएगी। इसके अलावा हमारी अमरूदों के ऑर्चर्ड्स हैं, ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो अमरूदों के ऑर्चर्ड्स की शक्ल में हमने रखा हुआ है, वो मोस्टली हम लीज़ पे दे देते हैं। उसके अलावा नींबूओं का ऑर्चर्ड्स है, कुछ हिस्सा हमने नींबू के ऑर्चर्ड्स के तौर पे रखा हुआ है, वो भी तैयार हो रहा है, अगले साल में शायद वो भी लीज़ पे चला जाएगा। तो इस तरह एक कॉम्बिनेशन है वीट राइस का, जो कि हम खुद कल्टीवेट करते हैं, कुछ फॉडर कल्टीवेट हम खुद करते हैं, ऑर्चर्ड्स कुछ हैं लेमन और गुआवास के, तो इस तरह एक पोर्टफोलियो रखा हुआ है जिसको हम यहाँ मैनेज करते हैं। पिछले साल तक हम इसके अलावा कुछ सब्जियाँ भी लगा रहे थे, मैंने यहाँ ड्रिप इरिगेशन का निज़ाम कुछ अर्से पहले लगवाया था, जिसको इस्तेमाल करके हम सब्जियाँ वगैरह उगाते रहे हैं, तो वो काफ़ी सारी मतलब गोभी लगती थी, अनियन जो है वो लगाते थे, टमाटोज लगाते थे, मूलियाँ काफ़ी लगाईं, तो इस साल हम थोड़ा सा वी वॉन्टेड टू रिलैक्स अ लिटिल बिट, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, वी थॉट कि ये साल थोड़ा सा रिलैक्स गुजारेंगे, सो इसलिए इस साल ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लगाई, लेकिन अगले साल से वी अगेन प्लान टू कि कुछ ना कुछ सब्ज़ी जो है वो वापस लगानी शुरू करेंगे। तो ये मेरा एक ज़िंदगी का एक दूसरा हिस्सा है, आई थॉट कि आज इस वीडियो लॉग के थ्रू आपको इस हिस्से से भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाए, और अभी मैं आपको लेके जाके जो हमारे गुआवा के ऑर्चिड्स हैं, उसके अलावा जो लेमन के ऑर्चिड हैं, थोड़ा सा वो भी आपको दिखाता हूँ। जी, तो इस वक्त हम अब गुआवा ऑर्चिड के अंदर आके खड़े हुए हैं। गुआवास का ये है जी कि आपको हम इसको लीज़ पे, जब ये बाग तैयार हो जाता है तो वी पुट इट ऑन लीज़, जो लीज़ होल्डर है जो हमारा आता है वो आके इसका फ्रूट वगैरह तैयार करता है, और फिर मार्केट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुआवा के अंदर हमारा मॉडल ये है कि नर्सरी वगैरह तैयार की जाती है, वो घर के अंदर ही एक छोटा सा हिस्सा हमने नर्सरी की तैयारी के लिए रखा हुआ है, वो नर्सरी वहाँ से ला के
तो यहाँ हम फील्ड में उसको लगा देते हैं। उसके बाद उस नर्सरी का 3 से 4 साल आपको ध्यान रखना पड़ता है, उस पौधे को बड़ा करना पड़ता है, और जब वो पौधा एक ख़ास साइज़ पे आ जाता है, बड़ा हो जाता है, फ्रूटेशन उसकी शुरू हो जाती है चंद सालों में, तो फिर इट इज़ रेडी टू लीज। तो यही हमारा मॉडल है। इसमें एक थोड़ा सा गुवावा के अंदर यह है कि इसके जो दरख्त हैं वो उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, 10-12 साल बाद फॉर सम रीज़न हमारे इस इलाके में वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आपका एक कंसिस्टेंट प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जिसमें आप अपनी नर्सरी तैयार रखते हैं और बाग के अंदर जैसे जैसे पौधे ख़राब होते हैं तो वो उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो है वो आप लगाते रहते हैं, और इसी तरह 10-12 साल बाद आपको अक्सर ही ये करना पड़ता है कि उस बाग को ख़त्म करके उसको किसी और दूसरी ज़मीन में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स वहाँ पे बहुत कम रह जाते हैं। अब जनाब हम आ गए हैं हमारे लेमन के ऑर्चर्ड में। ये आज से कुछ चार पाँच साल पहले मैंने लगाया था। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं पौधों की जो हाइट है वो मेरे से भी लंबी हो गई है। ये भी मॉडल उसी किस्म का है। पहले नर्सरी हम अपनी तैयार करते हैं घर के अंदर, वहाँ पे तैयार की हुई है, उसको ला के फिर हम यहाँ फील्ड में लगाते हैं। 4-5 साल पौधे का ध्यान रखना पड़ता है, और जब वो पौधा फ्लूटेशन पे आता है तो इसको भी हम जो है वो लीज़ पे दे देते हैं, और जो ठेकेदार यहाँ पे आता है फिर उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि इन पौधों का ध्यान रखे, इनके इनको पानी दे, खाद लगाए, और इस पर जो फ्रूट लगता है उसको जो है फिर वो मार्केट करें। लेमन की तरफ डाइवर्सिफाई करने की एक बड़ी वजह ये थी मेरे पास कि अमरूदों की अब अंदर काफ़ी जो है वो ज़्यादा बाग लग गए हैं, और रेट वगैरह ऊपर नीचे भी होता रहता है। प्लस ये कि अमरूदों के बाग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनकी लाइफ 12-15 साल तक ही होती है, लेमन के बारे में ऐसा नहीं है। अभी ऑर्चर्ड लगा है तो काफ़ी सारे साल यही ऑर्चर्ड जो है वो चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा पौधों की रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पौधे जब एक दफ़ा अपनी रूट्स बना लेते हैं और गहराई में इनकी रूट्स चली जाती हैं तो ये बाग फिर काफ़ी अरसे इसी तरह चलता रहता है। तो ऑन रिलेटिव टर्म्स इस बाग की मेंटेनेंस जो है फॉर अ लैंड ओनर वो नस्बतन कम होती है।